राखी देवी। किस पंचायत से हैं? मुरमा। किस पद के लिए नामांकन भरे हैं? वार्ड। वार्ड नंबर 15। पहले से हैं राजनीति में? नहीं, शुरू बार। शुरू बार है। तो राजनीति में आने का क्या मकसद है, क्या करना है जीत करके? गांव का विकास, गांव का का विकास, सबको सेवा। जनता लोग हैं साथ आपके? जनता पूरा सहमत है। नॉमिनेशन करा लिए है ना? नॉमिनेशन कराने के बाद कैसा लग रहा है? हमें तो बहुत ठीक लग रहा है। सब करके क्या क्या करना चाहती हैं? वार्ड में क्या क्या करना चाह रही हैं आप अपने जनता? वार्ड में जितना काम आएगा उतना कराएंगे। ठीक है, धन्यवाद। क्या नाम हुआ? संजय मांझी। किस पंचायत से? हमारा पंचायत। किस पद के लिए नामांकन भरे हैं? वार्ड सदस्य। वार्ड नंबर 15। अच्छा, राजनीति में पहले से हैं? नहीं, पहला क्या करते थे? किसानी मजदूरी। किसानी मजदूरी से छोड़ के राजनीति में आने का क्या उद्देश्य है? टाइम राजनीति में आने का क्या सूझ गया आपको? विकास करेंगे गांव का। विकास नहीं हुआ पहले से? तो नहीं हुआ, हुआ है। अच्छा अच्छा, तो विकास करने के लिए आप आए हैं। हाँ। क्या कहना चाहेंगे, विकास का मुद्दा क्या क्या है आपका? जनता जनार्दन को क्या आश्वासन देना चाहिएगा? हमारा गांव में सरकारी हॉस्पिटल नहीं है, हमको सरकारी हॉस्पिटल हमको चाहिए। अच्छा, जीतने के बाद में हम सरकारी हॉस्पिटल अच्छा उपाय करेंगे। अच्छा अच्छा, और युवाओं के लिए क्या उद्देश्य है आपका? युवा के लिए कुछ कहना चाहिएगा? युवा की सब सही है, हमारा सहयोगी भी है, जनता लोग आपके साथ है। हाँ, पूरा साथ है। कि विजय तिलक लगा देगा? हाँ हाँ, पूरा। बहुत धन्यवाद। क्या नाम हुआ? अर्चना देवी। किस पंचायत से हैं? अमहरा पंचायत से, 3 नंबर वार्ड। वार्ड के लिए नामांकन कराए हैं? इससे पहले भी थी आप किसी पद पे? हाँ थे, पंच थे। पंच वार्ड में आई हैं? पंच से उप सरपंच हुए। अच्छा, अच्छा। इस बार वार्ड में आ गए। कैसा लग रहा है नामांकन कराने के बाद? अच्छा लग रहा है। क्या लग रहा है, क्या आश्वासन देना चाहेंगी जनता लोगों को जीतने के बाद? कुछ बताना चाहिए जीतने के बाद? देखिए, जितना वार्ड सदस्य को आएगा, सदस्य में हम कोशिश करेंगे अपने भर की, सदस्य के आगे हम कुछ करें। युवा लोग के लिए क्या कहना चाहिए, कोई संदेश देना चाहेंगे युवाओं को? जितना 3 नंबर वार्ड में सभी भैया और दीदी को प्रणाम करना चाहते हैं, और सभी मतलब सोचे अपने बारे में कि हम किसको चुने, कौन जो अच्छा रहेगा। आगे भी तो वार्ड थे तो सोचना चाहिए ना कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, आगे भी आगे के लिए भी सोचना चाहिए। विकास का मुद्दा क्या है कि जीत के आती है तो क्या क्या कुछ आपके पास फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी काम करने के लिए? पहले क्या क्या आपका उद्देश्य है काम करने के लिए? मेरा सबसे बड़ा उद्देश्य है कि हम सबसे पहले जीतेंगे तो नाग थान में मिट्टी गिरवाएंगे, और नाला नहीं है, नाला हम बनवाएंगे। जो भी है आपका उद्देश्य, सब कुछ पे खड़ी उतरने की कोशिश करेंगे। जनता लोग का सहयोग लग रहा है आपके साथ में? हाँ, जनता लोग का सहयोग है, बहुत है। उम्मीद है कि आप जीत जाएंगे? उम्मीद है, बहुत उम्मीद है जो जीत जाएंगे। अच्छे मूड में नजर आ रही है नामांकन कराने के बाद, है ना? हाँ। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। मैम, विभा देवी। किस पंचायत से? बालगुंदर पंचायत से। नामांकन कराए हैं? हाँ सर। किस पद के लिए? वार्ड के लिए। वार्ड नंबर 1। पहले से राजनीति में है या पहली? नहीं सर, पहली बार हुए हैं। नॉमिनेशन पहली बार कराए? हाँ, पहली बार कराए हैं। नॉमिनेशन कराने के बाद कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। लोगों का सहयोग है आपके साथ? हाँ सर, सहयोग है। एट द टाइम राजनीति में आने का क्या उद्देश्य रहा? उद्देश्य यही है कि हमारा गांव जो बहुत पीछे है उसको आगे पूरा विकास करने के लिए हम मतलब। इतना दिनों से विकास नहीं हुआ आपके एरिया में? नहीं सर, कुछ हुआ है कुछ, लेकिन बाकी है, इसीलिए। जो लोग जीते हुए थे वो लोग कुछ नहीं कर पाए हैं? नहीं कर पाए सर, इसीलिए हम सोचे। जनार्दन को कैसा आश्वासन देना चाहेंगे, अगर आप आ रही हैं राजनीति में और जीत करके अगर आप विजय तिलक आपको लगेगा तो क्या कुछ करना चाहेंगे आप? हम गाँव का विकास करना चाहेंगे। युवाओं के लिए क्या आपका उद्देश्य है? उद्देश्य यही है कि पूरा अपना गाँव का विकास कीजिए, अपना जो गांव में जो अथी है सब है राजनीति। सारे लोग इसी तरह की भाषा करते हैं, इसी तरह की बात। जीतने के बाद जो है लोग कन्वर्ट हो जाते हैं, बदल जाते हैं? नहीं सर, हम नहीं नहीं हम लोग बदलने वाले नहीं है सर। यानी आप काम कीजिए? हाँ, काम कीजिए, करेंगे सर। जनता लोगों का सहयोग है? हाँ सर, सहयोग है। क्या लग रहा, जीत जाएंगे? हाँ पक्का सर, हम जीत जाएंगे। क्या नाम हुआ? रविंदर यादव। किस पंचायत से? दामोदरपुर पंचायत। किस पद के लिए नामांकन भरे हैं? वार्ड पद, वार्ड सदस्य। अच्छा, पहले से हैं? नहीं नहीं, पहली बार हैं। क्या करते हैं? राजनीति कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, कितना साल से राजनीति? 15 साल से।
अनुभव कैसा है? बहुत अच्छा है। 15 साल में पहली बार आपने नॉमिनेशन कराया? हाँ, पहली बार। हाँ, नहीं नहीं, पहली बार करें। ऐसे ही बिना नॉमिनेशन कराए? हाँ, बहुत काम किए हैं। क्या क्या किए हैं? प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना करवाए हैं, वृद्धा पेंशन करवाए हैं। आपके वार्ड जो थे तो ये सब काम को नहीं करा पाए? नहीं, पूछ लीजिए जनता से, सभी से। 5 साल के दरमियान में कुछ नहीं, गली नली कुछ नहीं हुआ वहाँ। तो उनके अगेंस्ट में खड़े हैं? हाँ हाँ, उनके अगेंस्ट में है। नेशन कराने के बाद कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। जनार्दन का सहयोग बहुत, देखिए एकदम साथ है। क्या जीतने के बाद बहुत ज्यादा करेंगे काम जनता को? क्या क्या आश्वासन? इंदिरा आवास, वृद्धा पेंशन, श्रमिक संघ लेबर कार्ड, और जो है कृषि से दिलावेंगे सब किसान को, और कंबल भी जो आता है साल में वृद्धा आदमी को, वो सब दिलावेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।